हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। तो चलिए आज हम बनाते हैं कुरकुरे। उसके लिए हमने एक कप चावल का आटा, एक कप गेहूं का आटा और एक कप बेसन लिया है। इन सबको मिला लेंगे हम। इसमें एक आधा चम्मच करीब अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। ऐसा चाहिए, आप देख सकती हैं अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ, उसमें एक कढ़ाई लेंगे और जब हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो जो हमने घोल तैयार करके रखा था उस घोल को इसमें डालकर अच्छे से पका लेंगे। अब पकने के बाद ही बिल्कुल आटा की तरह, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसा हो जाएगा। ये देखिए अब हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे पकेगा वैसे। अब हमारा हो चुका है, अब इसको हम ढक कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा डो ठंडा हो चुका है, इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम आसानी से इसको, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाकर जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से गूंथ कर तैयार कर लेंगे, तेल से पानी से नहीं। अब हम छोटा छोटा लोई बनाकर इसको तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारा पूरा लोई बन चुका है, अब इसको हम एक चौकी बेलने से मदद से इस तरीके से हल्का से दबाते हुए बेल लेंगे। फिर चाकू से इस तरीके से काट काट कर पूरे को हम चिपक रहा है हमारा, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे चाकू में भी। और इस तरीके से हथेलियों की मदद से कुरकुरे के शेप में करके पूरे को हम रखते जाएंगे एक बर्तन में। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए हमारा कुरकुरा पूरा तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ, उसमें एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में जब हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो तेल डालेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम जो हमने कुरकुरे बना के रखे हैं इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा कुरकुरा मैं इसमें डाल दूँगा। अभी इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आपका कुरकुरा टूट सकता है। जब थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा तब इसको हिलाइए धीरे धीरे। देखिए मैं कैसे हिला रही हूँ, इसी तरह से दोनों तरफ से हम लौटते फुलौटते हुए सेक लेंगे कुरकुरा को, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से बारी बारी से सारे कुरकुरों को हम डालकर निकाल लेंगे। अब हमारा पूरा कुरकुरा हो चुका है, ये देखिए। इसके बाद हम कुरकुरे में कुछ मसाले मिलाएंगे, जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच करीब चाट मसाला। इन सब मसालों को मिलाकर मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। एक बार जरूर ट्राई करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।